तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको कुकुर लोग ने हमला कर दिया था इसको। तो इसको वहाँ से निकाला था दोस्तों। डूला फैमिली ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अभी हम जो जा रहे हैं मऊहा बीनने, और यहाँ आज का सुबह देखिए सूर्य भगवान निकल गए हैं। और अभी हम लोग नदी तरफ हैं। तो चलिए कल एक चलते हैं। और इधर देखिए हरा हरा घास निकल रहा है। तो अभी जाएंगे मोहा बीन में। और लोग निकला था यार, फिर देना तो yang teman saya di sini dah pergi ke sini. रात को थोड़ा मौसम बदल रहा था, लेकिन अभी साफ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको कुकुर लोग ने हमला कर दिया था इसको। तो इसको वहाँ से निकाले हैं। तो ये देखिए, वो जो बैल है ना, मतलब उसको यहाँ कुदा दिए थे कुत्ता लोग। यहाँ से हम लोग निकाले उसको यहाँ बाहर, यहाँ से घींचते घींचते यहाँ तक चढ़ाए थे। इसके चढ़ने के लिए भी बना दिए। तो फिर आके यहाँ सो गई थी रात को, अभी वहाँ गई है। चलिए दिखाते हैं कहाँ जा रहे थे जल्दी। तो ये देखिए हमला कर दिया पेट पेट को, इस साइड को भी पत्ता को तोड़ दिए हैं माछी। देखिए और इधर कान तरफ को भी, गर्दन को भी काट दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, वापस आते समय देखेंगे। और यहाँ से हम लोग खींच कर इधर ला दिए थे, पानी में था, उठ नहीं पा रहा था। अब बहुत दूर से दौड़ाए थे इसको। चलिए अब चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए, अब पहुंच गए हम लोग अपना मोहा बीनने वाला डेरा। और इधर देखिए यहाँ आज थोड़ा और कम है, अभी लास्ट हो रहा है मोहा का सीजन। यहाँ हम लोग का चार ही डिग्री रखा है, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए चार भी गिरा है, इसको भी बीन के ले जाएंगे। तो चलिए जंगल का सुबह सुबह का नज़ारा देखिए। ये देखिए चिड़िया का आवाज़ सुबह सुबह, मस्त लगता है जंगल में। और उधर देखिए हमारे मैडम जी दातुन तोड़ रही थी। तो चलते हैं अब दिन में। चार गिरी से देखिए, अभी श्री देवी बन के आ रही है। तो चलते हैं अब। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मोहा बीन के। और इधर देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं।
गेंद को बना रहे हैं। ये छोटा साइकिल, ये लोग गरुआ देखने आए हैं। गरुआ देखे आए हैं? हाँ, खाए जा रहे हैं। तो चलिए, हाँ अभी खड़ा हुई है, तो चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं परसों तरफ आ गया हूँ और यहाँ देखिए दीवार दे रहे हैं, वहाँ तक देंगे तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उधर वाला को चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे उस साइड का। तो आप लोग देखे होंगे, मतलब गैया माता को मतलब कुछ कुत्ता ने काटा, कल चार ठो था शायद, और पानी में था वो डूब गया था। तो हम लोग यही गांव में हैं, एक मामा उन्हीं के साथ निकाले थे वहां पानी से। तो हम लोग जब मुँह बिनने जा रहे थे तो सोई थी, लेकिन अभी उठी है, शायद ठीक हो जाएगी। दवाई सूजी तो लगवाए हैं। तो पहले बाप चीता का डर था और अभी गांव गांव में घूम रहा है कुत्ता, हमारा कुत्ता है, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक जने का बकरी को चाप दिया था, उसको भी आदमी था तो बच गया, ये इसको भी नहीं बचाते गौ माता को भी, लेकिन लकड़ी जा रहे थे उन्हीं लोगों ने बचा दिए। तो चलिए अभी पानी दे देते हैं, यहाँ पूरा सूख गया है, वहाँ पाइप को टार देते हैं, फिर चलेंगे घर, फिर देखते हैं क्या काम करना पड़ेगा अभी। यहाँ देखिए पूरा सूख जा रहा है, लाइट टच नहीं आया है। चलिए अब घर चलते हैं, हमारा कुत्ता बहुत खूंखार हो चुके हैं, आदमी लोगों को भी दौड़ाते हैं, छोटा बच्चा देख देख के। तो इसके बचने का क्या उपाय हो सकता है सर? और छोटे छोटे बाल बच्चे खेलते रहते हैं तो उनको भी थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कमेंट में बताना कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलते हैं दोस्तों अब घर। तो चलिए दोस्तों, अभी फिर मौसम देखिए कैसा हाल है, हवा भी चल रहा है, लगता है फिर बारिश होगा। तो इसको कुछ ढकने का जुगाड़ करेंगे, नहीं तो हम लोग का दीवार फिर गिर जाएगा। तो अभी खाना वाना खा के फिर आएंगे, फिर इसको पूरा कर देंगे, फिर उस साइड को करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ईटा है, टुकड़ा वाला ईटा इसके अंदर, तो यह गेती, ये देखिए इसी से कोड़ेंगे, कोड़ के निकाल देंगे इसको। तो चलिए इसको फुला लेते हैं, इसका ढेर थोड़ा ख़राब हो गया है, इसको हम लोग ढेर बोलते हैं हमारे गांव देहात में, और यह गेती। तो चलिए अब इसको फुला देते हैं पानी में,
ठीक रहेगा। यहाँ ऐसे करके तो चलिए और मौसम देखिए कैसा है। अभी थोड़ी देर धूप कर रहा था, अभी फिर बादल छा रहा है। रात को तो बहुत तेज धूप कर हवा कर रहा था, तो पानी गिरेगा तो भी हम लोगों के लिए फायदा है अभी, क्योंकि हम लोगों का मूंगफली उधर देखिए पूरा झुरमुरा गया है और लाइट भी सही ढंग से नहीं रहता है अभी, तो पानी गिरेगा तो भी फायदा है। तो चलते हैं दोस्तों आप ईंटा निकालने। तो चलिए दोस्तों देखिए इतना ईंटा निकाल लिए हैं इधर से, एक टुकड़ा टुकड़ा ईंटा था इसको निकाल लिए हैं, तो बस इतना निकालेंगे फिर अगले दिन निकालेंगे, इतना में ये हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और हमारे डूला फैमिली ब्लॉग को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।